रिसेंटली आगरा से दिल्ली के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर कावासाकी निंजा ZX-10R से हुए एक्सीडेंट में यूट्यूबर प्रोराइडर 1000 की डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरे सिनेरियो को देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रैश ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रोराइडर 1000 का हेलमेट टूटा हुआ था और उसके सर में काफी बड़ी इंजरी हुई थी जो एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पर ही पॉसिबल है। अपनी पिछली वीडियो में प्रोराइडर 1000 ने 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने की बात कही थी। यार मैंने लाइफ में कभी 300 नहीं मारी है, पहली बार 300 मारूंगा, थोड़ा बहुत डर लग रहा है भाई, थोड़ी बहुत मेरी फट रही है, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा यार, डर लग रहा है बहुत ज्यादा मेरे को। ये जगह बिल्कुल सही लग रही है 300 मारने के। आर यू रेडी बॉयज, भाई लोग तैयार हो क्या आप सब लोग? पर वो उस अटेम्प्ट में 300 kmph क्रॉस नहीं कर पाया था और शायद इसीलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने फिर से यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 किलोमीटर पर आवर अचीव करने का ट्राई किया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और ये क्रैश हो गया। एक्सेसिव स्पीड की वजह से हेलमेट पहने हुए होने के बाद भी प्रो राइडर 1000 के सर में काफी सीरियस इंजरी हुई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट काफी अनफॉर्चुनेट है और मैं प्रो राइडर 1000 की फैमिली और उसके फैंस की फीलिंग समझ सकता हूँ, पर इमोशंस में बहकर आप रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रो राइडर 1000 के YouTube चैनल पर अवेलेबल मोर देन 180 वीडियोस में से एक दो वीडियोस को कुछ मिनट्स देखकर ही आप उसके इररिस्पॉन्सिबल और रेकलेस बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं। तक अपने घर तक वापस गया हूं गाइस, बाइक को कुत्ता बनाता हुआ गया, बिल्कुल कुत्ता बनाता हूं बाइक को, थोड़ी बहुत ना व्हीली ड्राइव करूंगा अगर मेरे से लगेगी इस 1000 पे। पब्लिक प्लेसेस में अपनी न्यूसेंस एक्टिविटीज की वजह से इसे देहरादून पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। अपॉलजी वीडियो बनाने के बाद पुलिस ने इसे छोड़ तो दिया, पर इसके बिहेवियर में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और अब अल्टीमेटली अपनी इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज की वजह से ये इस दुनिया में नहीं है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो इंसान दुनिया से जा चुका है उसके बारे में कोई क्रिटिसिज्म या नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, पर सच तो ये है कि सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत जरूरी है। अगर सिटी स्ट्रीट्स पर इररिस्पॉन्सिबल राइडिंग, ट्रैफिक रूल्स के वॉयलेशंस और लाउड एग्जॉस्ट नॉइज से पब्लिक को परेशान करने वाली गलत हरकतों पर प्रो राइडर की फैमिली या उसके व्यूअर्स ने उसे क्रिटिसाइज किया होता तो उसमें भी सही और गलत की समझ डेवलप होती और शायद आज वो हमारे साथ होता। भारत में रोड एक्सीडेंट डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश में हर घंटे 6 बाइक राइडर्स की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। अगर आप किसी भी दिन इंटरनेट पर बाइक एक्सीडेंट या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई न्यूज मिल ही जाएगी जिसमें बाइक राइडर की डेथ हुई होगी। यानी कि हर मोटरसाइकिल राइडर को सड़कों पर बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने के साथ साथ एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। लेकिन कुछ मोटो व्लॉगर्स खुद की इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज को यूट्यूब पर शेयर करके दूसरे लोगों को भी गलत सीख देते हैं और कुछ बुरा होने पर इनका कहना होता है कि हमने प्रॉपर राइडिंग गियर पहना हुआ है तो हमने कोई गलती नहीं की है। लेकिन सच तो यह है कि हेलमेट और राइडिंग गियर्स के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और सेफ स्पीड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। हेलमेट और राइडिंग गियर पहन लेने से आपको सिटी स्ट्रीट्स पर ओवर स्पीडिंग करने की परमिशन नहीं मिल जाती है। हाईवेज पर भी 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड एक टू व्हीलर के लिए हाईली अनसेफ है। नो डाउट हाई परफॉर्मेंस बाइक्स पर स्पीड का नशा हर किसी को थ्रॉटल रेव करने के लिए पुश करता है, पर समझदारी इसी में है कि आप याद रखें, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स।